नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, जो अपने आप को भगवादारी साधु बताता है, उसने एक बार फिर गधों वाली हरकत कर दी है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने जंतर मंतर पे दंगा भड़काने की पूरी कोशिश करी थी। उनका एक लक्ष्य है कि हम 10 विवाह करें और 50 बच्चे पैदा करें। ये वही यति नरसिंहानंद सरस्वती है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में अनाप शनाप बकता है। मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर वन का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। ये अफजल गुरु की जमानत, वो जो दया याचिका थी, कांग्रेस जैसी सेकुलर सरकार ने भी नहीं भेजी। सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के केवल 48 घंटे के अंदर अफजल गुरु की मां और पत्नी से जो है, और बेटे से अब्दुल कलाम ने भेंट की थी। अब्दुल कलाम ने वहां एक सेल बनाई थी राष्ट्रपति भवन में। तो देखिए, पढ़ाई का इससे कोई वो नहीं है। हिंदू भी तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। ये वही यति नरसिंहानंद सरस्वती है जो हिंदू महिलाओं को अनाप शनाप बोलता है। और हमारी औरतें पागल हो रही हैं। पहले साल हमारा नीचड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है। हिंदुओं जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये धंधा करती थी, और आज ज्यादातर औरतें हिंदुओं की हैं जो पेट के कारण नहीं, अपनी वासना के कारण मुसलमानों के जाल में फंसी और बर्बाद हो गई। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी। और इसने हिंदू महिलाओं को तो अनाप शनाप बोला ही, लेकिन इस बार इसने भाजपा में शामिल महिलाओं को अपशब्द बोले। इसने इस कदर तक भाजपा में शामिल महिलाओं के लिए अपशब्द कहे जो हम आपको बता भी नहीं सकते, आप खुद ही सुन लीजिए। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जाने। ये है अब ईमानदार और जैतमान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ पे आई है। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, रही है जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा है। दोस्तों शायद अभी ये भाजपा के लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब आप एक जहरीले सांप को दूध पिलाते हैं तो वो आपको ही कैसे डस लेता है। ये वही यति नरसिंहानंद सरस्वती है जिनकी तारीफ हर भाजपा का चुटबैया नेता कर रहा था, जैसे कपिल मिश्रा। उसने तो इनके लिए 25 लाख रुपए का डोनेशन भी इकट्ठा कर लिया था इनकी सिक्योरिटी के लिए, और आज के दिन कपिल मिश्रा खुद इन्हें जिहादी बता रहे हैं। यति नरसिंहानंद की महिलाओं के प्रति सोच किसी भड़वाधारी की हो ही नहीं सकती। ये जिहादी सोच से बीमार कोई कुंठित आदमी है। इस आदमी को महिला आयोग और यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये माँ जगदम्बा के मंदिर में बैठने योग्य नहीं है। दोस्तों जिस शैफाली वैद्य के ट्वीट पे कपिल मिश्रा ने ये रीट्वीट किया है, वो खुद इनको अब अपोज कर रही हैं। और एक समय ऐसा भी था कि ये शैफाली वैद्य खुद इस नरसिंहानंद सरस्वती के पक्ष में बोलती थी। बहन बेटी को जागरूक करने के लिए दो लाइन क्या कहना चाहो? बहन बेटी के जागरूक करने से कुछ नहीं हो रहा, मर्द जागरूक हो जाए। बहन बेटियों में भी तो डर होना चाहिए कि हम मुसलमान के साथ घूमेंगे तो हमारा भाई हमारी गर्दन काट देगा। हिंदुओं में मर्द तो नामर्द बन के बैठ गए, अब औरतों से मैं बिचारियों से क्या उम्मीद, उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों में, हैरानी कहीं का। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक ये यति नरसिंहानंद सरस्वती उस वीडियो में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी महिलाओं को अनाप शनाप बक रहा था, तब तक इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही उसने बीजेपी की महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया, उनके फाख्ते उड़ गए। दोस्तों कपिल मिश्रा जैसे नेताओं के लिए ही मोदी जी ने बहुत सही कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अब जब सारी चीजें सामने आ गई हैं, इसकी सोच महिलाओं के प्रति क्या है ये उजागर हो गई है, तो ये दूसरे वीडियो के साथ सामने आया है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये बहुत पुराना वीडियो है, इस वीडियो को एडिट करके किसी ने फेसबुक पर डाला। इसका कहना है कि द ऑल्ट न्यूज, द वायर, द प्रिंट के पत्रकारों ने इसकी वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। फेसबुक पर जुबैर नाम का एक जिहादी है और उसकी पूरी टीम है, आरबा खानम, शेरवानी, बहुत सारी महिलाओं की, एक जिहादियों की द प्रिंट, द वायर, ऐसी एक पूरी टीम है। इन लोगों ने उस वीडियो को उठाया, बहुत बुरी तरह एडिट किया, एडिट करने के बाद जो अर्थ था उसका अनर्थ कर दिया और इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया।
लेकिन ये आदमी खुद फेसबुक पे लाइव जाकर महिलाओं के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। अब अगर ये पढ़े लिखे हो तो इनको कुछ समझ में आए कि लाइव अगर आप होते हैं तो उसमें कुछ एडिट कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी द ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने इनका जवाब दिया और इनको सच से रूबरू कराया। दोस्तों, इन्हीं जैसे जहरीले लोगों की वजह से आज हमारे भारत देश जैसे खूबसूरत देश में आज हम अपने भारत देश में आए दिन हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा देख रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तरफ है, ये दोनों तरफ हैं ऐसे लोग। पिछले दिनों हमने देखा कि मथुरा में कैसे एक मुस्लिम ढोसे की दुकान लगाने वाले को परेशान किया गया क्योंकि उसने अपनी दुकान का नाम श्रीनाथ के नाम से रख रखा था। जो लोग खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं वो बार बार हिंदू मुस्लिम के बीच का सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरीके का एक और वीडियो इंदौर से सामने आया। पानी पता सा जो तू थारा नाम से अलियास नाम पूरा बता, पिताजी नाम कही है, कई नाम है बता, अलियास पिता गफ्फार, कहाँ रहे तू? देपालपुर मेरे। पर थारा अल्लाह का नाम लिखिन बेच, भगवान का नाम से तू नहीं बेच सकते क्योंकि हमारे जैसा मूर्ख बन रही है थारा पास आई ने, हम तो ब्राह्मण ठाकर आई खही लांगा ना, हमारे धर्म से वही रोगे तू तो तुरंत बस थारा धंधा थारा अल्लाह फल्ला नाम लिख ले, थारो नाम लिख ले, कहीं भी चला तू 786 लिख ले, 1520 लिख ले, थारो मन पड़। जहां एक गोलगप्पे वाले को परेशान किया गया क्योंकि उसकी दुकान का नाम था सावरिया और वो गोलगप्पे वाला था मुसलमान। दोस्तों, इस देश में न जाने कितने ऐसे मुसलमान गायक हैं जो जागरण करते हैं, माता की चौकी करते हैं, और न जाने कितने ऐसे हिंदू गायक हैं जो कव्वालियां करते हैं। तो फिर तो उन सबको परेशान करना चाहिए। इस देश का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का आउटलेट है खान चाचा, वो कोई मुसलमान नहीं चलाता है, वो एक हिंदू चलाता है। लेकिन इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की इनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। ये सिर्फ एक गरीब इंसान को ही परेशान कर सकते हैं, ये वही अपनी मर्दानगी दिखा सकते हैं सिर्फ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।